सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। मेहरबानों, जब महाभारत में करण बलि अर्जुन के हाथों मारा जाता है तो पता चलने पर कुंती करण की लाश से लिपट कर रोने लगती है। तब पांचों पांडव और श्री कृष्ण वहां पहुंच जाते हैं। उसे रोता देखकर धर्म युधिष्ठिर हैरान होकर माता कुंती से पूछते हैं, हे माता जी, हमारे दुश्मन की लाश पर आप क्यों रो रही हो? इसका क्या कारण है? बेटा धर्मराज, अगर तुझे इस कारण का पता चल जाएगा तो तेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। पूछ बेटे, आप क्या जानना चाहते हो? आज मैं अपने सीने में धधकती आग को बाहर निकालना चाहती हूँ। पूछिए, क्या पूछना चाहते हो बेटे धर्मराज? तू देखे करण की लाश हो, क्यों रोई माता, बातें बता। ढेरी रे करण बलि की लाश देख के छाती फटती मेरी रे, हाय करण बलि की लाश देख के छाती फटती मेरी रे। ये दुखी यारी की आस हो मेरे चोट कसूती ला। समझ नहीं आ रहा, आप हमारे दुश्मन की लाश पर इस प्रकार क्यों विलाप कर रहे हो? क्या कारण है? बेटा धर्मराज, इसका भी राज मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगी। आप जान जाओगे तो आप भी स्वयं रोने लगोगे। समझ ना आती माता, कसर नहीं छोड़ी इसने, ये दुर्योधन का साथी। माता, सूत पुत्र के मरने पे क्यों इतना रोधन मचाती? माता, सूत पुत्र के मरने पे क्यों इतना रोधन मचाती? माता, करण बलि को सूत पुत्र मत कहिए लाल दोबारा रे, मेरे जिगर का टुकड़ा से ये इन आँखों का तारा रे। अरे रण में जिसको मार दिया यो भाई बड़ा तुम्हारा रे, रण में जिसको मार दिया यो भाई बड़ा तुम्हारा रे। ये लेंगे जमी आ
क्या था ये डर था मुझे लाचारी का, सूरज देव पिता इसके ये छाया कुंती क्वारी का, सूरज देव पिता इसके ये छाया कुंती क्वारी का। लिख दे गहरे राम वैसला इसकी गाथा पूरी रे।